प्रत्याशा। अब तक हमने प्रत्याशा को असंतत यादृच्छिक चरों के संदर्भ में देखा था। हमने यह देखा था कि असंतत यादृच्छिक चरों और उनके फलनों का प्रत्याशित मान किस प्रकार निकाला जाता है। अब हम प्रत्याशा की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए इसे संतत यादृच्छिक चरों के संदर्भ में देखेंगे। हम कह सकते हैं एक संतत यादृच्छिक चर, यह प्रत्याशित मान की परिभाषा ही है। संतत यादृच्छिक चर x, जिसका जिसका प्रत्याशा घनत्व फलन अथवा घनत्व फलन एफ एक्स एक्स द्वारा दिया जाता है, का मान ई एक्स होगा समाकलन माइनस अनंत से अनंत, यह प्रत्याशित मान अथवा प्रत्याशा की सीधी सीधी परिभाषा है। एक बार हमने एक यादृच्छिक चर का प्रत्याशित मान देख लिया, अगला पड़ाव उसी प्रकार होगा इस यादृच्छिक चर के x के लिए यह। अब हमने कहा यह इसे असंतत यादृच्छिक चरों के संदर्भ में सिद्ध करना तो सरल था, किंतु संतत यादृच्छिक चरों के संदर्भ में इसे सिद्ध करना कुछ कठिन है। इसीलिए हम इसे टुकड़ों में करेंगे, इसे हम टुकड़ों में सिद्ध करेंगे। और इसके उपपत्ति आरंभ करने से पूर्व हम एक अन्य प्रमेय सिद्ध करेंगे। प्रमेय वह है किसी भी ऋणेतर नॉन नेगेटिव, ऋणेतर को मैंने कुछ स्थानों पर गलती से अऋणात्मक भी बोला है, कृपया ध्यान रखिएगा उसका ठीक शब्द ऋणेतर है। किसी भी ऋणेतर यादृच्छिक चर वाई के लिए प्रत्याशित मान वाई बराबर है शून्य से अनंत प्रायिकता यह। अब इस प्रमेय की उपपत्ति, हम देख सकते हैं यह। अब
यह दो चरों पर समाकलन है, एवं हमने छोटी कक्षाओं में देखा है कि दो चरों का यह समाकलन मूल रूप से इस क्षेत्र के ऊपर समाकलन होगा। यह मूल रूप से इस क्षेत्र पर समाकलन है। अब यदि हम इसी क्षेत्र का समाकलन क्रम बदल कर करना चाहें, अर्थात यहाँ पर हम पहले v पर समाकलन कर रहे हैं, अथवा यहाँ पर हम इस चर को, इस फलन को पहले v पर समाकलित कर रहे हैं, उसके तत्पश्चात इसे y पर समाकलित कर रहे हैं, इसके स्थान पर यदि हम पहले y पर समाकलित करें और फिर v पर समाकलित करें, तब हम देख सकते हैं कि v जाएगा शून्य से अनंत, y जाएगा शून्य से v, यह y का अचर नहीं है, अर्थात इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। यह संपूर्ण फलन v के ऊपर समाकलित, इसे लिखा जा सकता है शून्य से अनंत यह, जो कि यह है, अर्थात हमने यह प्रमेय सिद्ध कर दिया। अब जो पिछले पृष्ठ पर हमने प्रस्ताव दिया था, अर्थात इसकी उत्पत्ति, अब हम इसे, जैसे हमने पहले कहा था, हम इसे टुकड़ों में सिद्ध करेंगे। पहले हम इस प्रस्ताव को एक ऋणेत्तर फलन पहले हम इसे ऋणेत्तर फलन के लिए सिद्ध करेंगे। हम यह यदि gx एक ऋणेत्तर फलन है, तब y बराबर जी एक्स एक छोटा x आएगा, एक ऋणेत्तर यादृच्छिक चर होगा। तब y बराबर जी एक्स एक ऋणेत्तर यादृच्छिक चर होगा, अर्थात उपर्युक्त प्रमेय के अनुसार यह बराबर है अब दोबारा समाकलन का क्रम बदलते हुए हम लिख सकते हैं, यह बराबर है
क्योंकि क्योंकि जी एक्स एक ऋणेत्तर फलन है, यह बराबर है अनंत से अनंत यह सरल। इसी प्रकार यदि जी एक्स एक गुणेत्तर माइनस जी एक्स एक ऋणेत्तर तब हम कह सकते हैं कि माइनस जी एक्स एक ऋणेत्तर फलन है, अर्थात अब हमने यह सिद्ध कर दिया है कि गुणेत्तर एवं ऋणेत्तर दोनों प्रकार के फलनों के लिए यह सूत्र मान्य है। अब हम किसी भी जी एक्स को इस प्रकार भी जी एक्स को इस प्रकार लिख सकते हैं, जी एक्स बराबर है दोनों ऋणेत्तर फलन है एवं इस प्रकार यह देख सकते हैं कि इस प्रकार हम जी एक्स को जी प्लस एक्स एवं जी माइनस एक्स में विभक्त कर सकते हैं। अब क्योंकि यह सूत्र सत्य है, हम लिख सकते हैं अर्थात यह। अब यह हमारे प्रस्ताव का प्रमाण पूर्ण करता है अथवा प्रस्ताव की उत्पत्ति पूर्ण करता है। एक उपप्रमेय
अब असंतत असंत यादृच्छिक चरों के ही समान प्रसरण x बराबर है यह संतत यादृच्छिक चरों के प्रत्याशित मान प्रत्याशा एवं प्रसरण की चर्चा को समाप्त करता है। धन्यवाद।